जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन, रोशन आर्मी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे टी आर्मी का जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जोन 3 का, उसकी सच्चाई क्या है? जैसे जोन 1 और जोन 2 का वायरल हुआ था, वैसे अभी जो 27 अक्टूबर आने वाला है दार्जिलिंग टी आर्मी भर्ती, वो नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? मैं आपको बता दूँ कि वो नोटिफिकेशन भी आखिर में उसकी सच्चाई अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे भाई अनुमान लगा रहे कि फेक है। उनकी बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन फेक है। अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये भर्ती है, क्योंकि जोन 2 की जो भर्ती फैजाबाद और भुवनेश्वर का था, ये 4 महीने पहले आप जो यूट्यूबर है जो वायरल कर रहा है उसकी वीडियो में आप जाके देखोगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी। साथ में फैजाबाद का भी उन लोगों ने ये वायरल किया था। कारण क्या? बच्चों को गुमराह के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल गुमराह किया जा रहा है, और बच्चे भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं और खुद गुमराह हो रहे हैं, और बाद में फिर मैसेज करते, भाई हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। ठीक है, आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, आप लोगों को अभी भी मौका है। 27 तारीख जो आ रही है अक्टूबर, वो भर्ती नहीं है दार्जिलिंग में, मैं अभी भी आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे भाई बोलेंगे मैं जाके वहाँ बताऊंगा, आप लोगों को उनकी बातें में नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, जब भी भर्ती आएगी सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे वीडियो में ना ही मैंने कभी बताया कि ये तारीख को भर्ती है और ना ही ये बताया कि ये महीने में भर्ती है। ठीक है, जब तक आपको मैं बता दूँ, जब से सबसे पहले भर्ती मैं आपको दिखाऊँगा, अगर हो सकता है मेरे से पहले कोई दिखाए तो वो बात अलग है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्त, आगे मैं बताऊँ आपको कि जो मेरा जो मकसद है जो टी आर्मी में होना, ये मेरा एक मकसद है। मेरा कोई यूट्यूबर बनना ऐसा कोई सपना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो अपना चैनल को करते हैं जो भी, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जो टी की तैयारी करता हूँ वो भाई लोगों को दिखाऊँ, मेरा मकसद एक ही है, टी आर्मी में होना, और कोई मकसद नहीं ऐसा कि यूट्यूबर बनना, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या, ये तो धंधा है, व्यूज़ कैसे बढ़ाना, भर्ती में बच्चों को गुमराह करना, सब उन लोगों का काम है, लेकिन अपने को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही टारगेट है टी आर्मी, और जो मैं तैयारी करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भर्ती नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रूफ दिखाता नहीं हूँ कि भर्ती अभी तक आई है। मैंने दिखाया है, प्रूफ नहीं आया, ये भर्ती मैंने दिखाया है, इसलिए ठीक है उन लोगों के नाद में नहीं लगना। आप लोगों को अपना प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान देना है, आपकी तैयारी कंटिन्यू चालू रखना है। ठीक है, दूसरों के बातें में नहीं आना है, मैं आपको बता दूं। और जो 27 अक्टूबर की जो भर्ती है दार्जिलिंग की, वो फेक नोटिफिकेशन है, आप लोगों को नहीं जाना है। जैसे फैजाबाद में हुआ और भुवनेश्वर में हुआ, वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तो मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों को मुझे मैसेज भी आया हुआ है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है आप लोग मत जाओ। कारण इसी कारण मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि वो भाई तक, जो भाई जा रहा है उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि वो लोग ना जा पाए, उनका जो पैसा है वो नेक्स्ट भर्ती में उनको काम में आए, क्योंकि उनके माता पिता का भी जो पैसा है मेहनत का होता है, ये चीज़ आप भी जानते हो। और बहुत सारे भाई है जो खुद मेहनत करके टी ए भर्ती में जाता है, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूँ भाई, ये नोटिफिकेशन फेक है, आपको नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और ये मेरा वीडियो वो जो भाई है बेचारा जा रहा है टीए भर्ती में, उसको ये मेरा वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो मेरा वीडियो देखे और ना जाए। क्योंकि बहुत सारे पिछली बार तो आपने देखा होगा यूट्यूबरों ने जो वायरल किया है, उनके चक्कर में भी बच्चे भर्ती में गए और उनका नुकसान हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।